महापर्व छठ में सूप का बड़ा ही महत्व है। भगवान भास्कर को सूप में ही फल फूल नैवेद्य डालकर अघ्रय दिया जाता है। महादलित समुदाय के लोग इस सूप को बनाते हैं। सूप को बेहद ही सफाई शुद्धता के साथ बनाया जाता है। सूप बनाने वाले समाज के ये लोग पारंपरिक व्यवसाय तो अब भी कर रहे हैं, लेकिन महंगाई के चलते हालात गंभीर हैं और कोई सरकारी योजना का लाभ भी इनसे जुड़ा नहीं है। आज भी ये समाज के सबसे निचले स्तर पर ही जीवन गुजर बसर कर रहा है। इनका कहना है कि भगवान भास्कर ने हमें ये मौका दिया है कि हमारे द्वारा बनाया गया सूप पर ही अघ्रय दिया जाए। इस छठ पर्व के समय की गई कमाई इनके लिए गुजर बसर करने में कुछ हद तक सहारा बनती है। इनमें भी आस है कि शासन प्रशासन एक नज़र इनकी ओर भी डाले, जिससे इनका जीवन संवर सके। 140 बिकता है, बोलता है नहीं 100 रुपया देना होगा, तो हम समाज में देवे करेंगे ना। समाज में देते हैं सब, हर लोग हर रंग का आता है, सभी आते हैं और समाज की सेवा कर रहे हैं, तो हम लोग तो बेहतर है। गरीब गरीब हो रहा है दुनिया, जैसे पढ़ाई लिखा बच्चा पढ़ा नहीं सकते हैं, कोई रोजगार नहीं कर सकते हैं, कोई सोचते हैं कि करेंगे तो आगे चल सकते हैं, पैसा पास में नहीं है, मजबूर है हर चीज़ से। हम लोग का अभी महीना दिन के छठ का पूजा है, अभी दो टका कमाया होगा, 100 रुपया बेचते हैं, 80 रुपया बेचते हैं, तभी तो होता है, इसका बात तो नहीं होगा। परिवार तो इसी ढंग है, कभी लाली करते हैं तो कभी जगह टंकी करते हैं तो कभी जगह झाड़ू लगाते हैं, कहीं 100 रुपया मिला कहीं 50 रुपया मिला। वो महीना यही छठ पूजा है, शुभ अवसर पर शुभ डली बनाते हैं, और उसका बाद तो जो दुर्दशा है हम लोगों को तो वही होता है, सरकार से कोनो योजना नहीं पाते हैं, जो बाल बच्चा को पढ़ाई लिखाई का आगे भगाओ में भविष्य। दो महीना है कमाई है, कमा करके बाल बच्चा को। उधर पटना में छठ पूजा के लिए तैयारियां जोर शोर से चल रही है। पटना के कलेक्ट्रेट घाट में जिला प्रशासन के सख्त निर्देश के बाद सफाई अभियान के साथ ही कच्चे सड़क मार्ग को भी दुरुस्त किया जा रहा है। अभी मैं खड़ा हूँ पटना के कलेक्ट्रेट घाट में। छठ महापर्व है और ऐसे में पटना का कलेक्ट्रेट घाट एक काफ़ी भीड़ भरा घाट माना जाता है। यहाँ पे काफ़ी श्रद्धालु उभर के आते हैं और छठ महापर्व को करते हैं, लेकिन अभी छठ में दो दिन बाकी हैं। हम देख रहे हैं अभी तैयारियाँ चल रही है, ये सफाई अभियान जो है नगर निगम के तरफ से और प्रशासन के तरफ से आप देख रहे हैं कि यहाँ सफाई किया जा रहा है। और चूँकि जल जमाव की स्थिति थी, भारी बारिश के कारण पटना जलमग्न था, ऐसे में गंगा में भी बारिश का पानी काफ़ी इकट्ठा हो गया था, तो ऐसी परिस्थिति में दलदल की स्थिति बनी हुई थी। लेकिन जो स्थिति अभी देखने में लग रही है कि काफ़ी मशक्क़त के बाद, जैसा कि आप देख रहे हैं कि जिला प्रशासन के तरफ से यहाँ पे गिट्टी का छिड़काव किया गया है, उसके ऊपर बालू दिए गए हैं, बालू देने के बाद अब जो है यह चलने लायक स्थिति बनी है और आसानी से यहाँ मोटरसाइकिल और चार चक्के की गाड़ी आ सकते हैं। जैसा कि यह पर्व है, यहाँ पर गांव से लोग आते हैं और भारी संख्या में यहाँ पे ट्रैक्टर और ठेला पर भी लोग यहाँ पर आते हैं, और अभी से दो चार दिन पहले की जो स्थिति थी वह देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि इस पर्व में किसी तरह का लोगों को दिक्कत नहीं होगा। लेकिन अब जो देखने वाली बात है कि जिस तरह से गिट्टी रखा गया है, उसके बाद बालू दिया गया है, इसके नीचे में जो दलदल की स्थिति बनी हुई थी अब सूख गया है और साफ देख रहे हैं आप कि मोटरसाइकिल से लोग जा रहे हैं आ रहे हैं। और अभी दो दिन का वक्त है, ऐसे में काम लगातार चल रहा है और इसको देखते हुए घाट तक जो श्रद्धालु हैं वह आसानी से जा सकें और उनको किसी तरह से कोई दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, उसके लिए प्रशासन पहले से ही काफ़ी सतर्क है और जिला प्रशासन को भी और यहाँ से सभी अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं, और वह सब जो हैं जितने अधिकारी हैं बहुत तेज़ गति से काम कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जेसीबी मशीन लगे हुए हैं, ट्रैक्टर हैं, इनसे बालू ले जाया जा रहा है और जहाँ पर दलदल की स्थिति आपको देखने में बनती है वहाँ पर आप देख रहे हैं कि बालू ले जाया जा रहा है, और जहाँ पर भी ज़्यादा गीला मिट्टी संभावना होता है कि यहाँ लोगों को दिक्कत होगी वहाँ पर यह बालू डाला जाएगा, वहाँ कंक्रीट भी डाले जाएंगे और किसी तरह से कोई परेशानियों नहीं आए। छठ पर्व जो कर रहे हैं आप इसके सामने दिखा रहे हैं जो कि जल जमाव की स्थिति थी, और ऐसे में यह दलदल की स्थिति जो आप देख रहे हैं, हालांकि इधर श्रद्धालु नहीं आएंगे, यहाँ बैरिकेडिंग लगाए जाएंगे और भी अभी काम चल रहे हैं जहाँ की बैरिकेडिंग लगाए जाएंगे और किसी तरह से दिक्कत ना हो,
वैसी स्थिति बना के लिए लगातार यहाँ काम चल रहा है। आप लोग प्रशासन की तरफ से दो लाइन बोल दीजिए, यहाँ पे हैं, देखिए पथ निर्माण विभाग की तरफ से भी हैं। आप यहाँ पे जो काम चल रहा है तो किस तरह की स्थिति है और ये कब तक काम पूरा हो जाएगा? आज से कल तक फाइनल हो जाएगा सर। फाइनल हो जाएगा जी। तो अभी कहाँ कहाँ ज़्यादा दिक्कत तो अब नहीं तो दिक्कत नहीं है सर, जहाँ तक यहीं टूट पत्थर जो नज़र आ रहा है वो गड़ रहा है, पैर में गड़े नहीं, पैदल चलने वाले आते हैं इसलिए बिछाया जा रहा है। आप लोग वहाँ नंदकिशोर यादव जी के? जी जी वहाँ से आए नंदकिशोर यादव, हमारा कंस्ट्रक्शन से यहाँ से। अच्छा, तो ये पथ निर्माण विभाग की तरफ से हैं और इनका साफ कहना है कि जो अभी दो दिन का वक्त है और हालांकि अभी से ही यह परिस्थिति अब ठीक हो गई है और आने वाले दो दिन में किसी तरह से कोई दिक्कत नहीं होगी श्रद्धालु को और जो बचा खुचा काम है वह पूरा कर लिया जाएगा। आप यहाँ देख रहे हैं कि सामने सिविल कोर्ट, उसके बाद यहाँ पे क्लब है, वहाँ पर भी सफाई अभियान किए गए हैं और लगातार दिन रात काम चल रहा है। तो साफ देखने वाली बात होगी कि दो दिन में किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो श्रद्धालु को और उनका जो छठ महापर्व है शांतिपूर्वक हो जाए, इसके लिए प्रशासन लगातार कोशिश कर रही है। पटना से पंजाब केसरी टीवी के लिए संजीव की रिपोर्ट।